तूने कहा था तेरी कजन की शादी जनवरी में है, और जनवरी में तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, फिर भी तूने पहनने के लिए बस एक साड़ी ली है। अरे कुछ गर्म बनियान, जर्सी, स्वेटर कुछ तो ले लेती, ठंड नहीं लगेगी तुझे? पहली बात तो वो साड़ी नहीं, गाउन है, और दूसरी बात ये कि जो लड़की ठंड से डर के अपनी कमर छुपा ले, तू है उस लड़की की जिंदगी पे। लड़कियों का शादियों में जाने का एक ही मोटिव होता है कि लड़कों की नजर हटनी नहीं चाहिए। अच्छा, चाहे निमोनिया हो जाए। और एक बात बता, तू मेरी गर्लफ्रेंड होकर मेरे से ये सब कुछ बता रही है, और तुझे लग रहा है उसके बाद भी मैं तुझे ये सब पहनने दूंगा? बेटा अब तो तू शादी में सूट सलवार पहन के ही जाएगी। नहीं नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, सूट सलवार नहीं पहनूंगी, यही पहनूंगी। ठीक है तो फिर एक काम करियो, इसके ऊपर ना एक जर्सी और पहन लियो, पुलिस वाले चालाकी करेगी तू। क्या है, अब ज्यादा मत बोल, कहीं पता चले पूरी शादी में बंदर वाला टोपा पहन के घूम रही है। अच्छा तब की तब देखेंगे, अभी बाकी का सामान ले ले। हाँ तो चल, और यहाँ क्या करेंगे, आ जा। वैसे तुम लड़कियों को ना हम लड़कों से कुछ सीखना चाहिए, सर्दियों में जब भी कभी घर से बाहर निकलो तो सबसे पहले पहनो एक गर्म बनियान, उसके ऊपर पहनो एक शर्ट, और उसके ऊपर लेदर की जैकेट, तब जाके होता है मामला सेट, ऐसे ही थोड़ी। कमिश्नर साहब का फोन, तू एक काम कर, तू अपना सामान ले, मैं 2 मिनट में बात करके आता हूँ। मैं तंग आ गई तुम्हारी इस पुलिस की जॉब से, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होता ना तुम्हारे पास। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ ना बेबी, चलो तो सही, बात करके आ रहा हूँ। सर, भैया ये लिस्ट है, सामान निकाल के पैक कर दो। अरे कितना गलत निशाना है तुम्हारा, देखो मैडम का बोल लग गई। मैडम इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, जरा बोल पास कर देना। अरे भाई ये अपनी बोल थोड़ी है, क्या बात कर रहा है, दिखा। अरे हाँ मैडम, ये बोल हमारी तो है ही नहीं, जरा देखना कहीं आपकी तो निकल के नहीं आ गई हमारे पास। दिखा मुझे दिखा। हाँ भाई ये तो गिलगिली सी बॉल हो रही है, और हमारी वाली तो सूखी थी। ये आप ही की बॉल है। क्या बात कर रहे हो मैडम, हम अपनी बॉल को नहीं पहचानेंगे क्या? जरा ढंग से चेक कीजिए, कहीं इधर उधर कपड़ों में ना फंसी रह गई हो, तो कहो तो मैं आके चेक कर दूं। ये क्या बदतमीजी है, क्यों मुझसे कर रही हो? कौन है ये लोग? ओह सिंहा जी भी साथ आए हैं। अरे कुछ नहीं भैया, बचपन के दोस्त है ना, काफी टाइम बाद मिले हैं। बचपन में तो साथ साथ घर घर खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, साथ खाते थे और साथ सो भी जाते थे। क्यों मैडम? मुझे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज। अरे मैं क्यों लड़ूंगा इनसे, सही बोल रहे हो तुम, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये लोग तो सोसाइटी के नाम पर धब्बा है, इन्हें जितना इग्नोर करके चलो उतना बढ़िया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। अरे चलो। यकीन नहीं हो रहा कि आज तुमने एक बार में मेरी बात सुन ली। कौन सी बात? अच्छा वो गुंडों वाली। अरे यार मैंने ना आजकल गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया है, वो क्या है ना कि गुस्सा करने से इंसान की उम्र कम होती है, और मैं तो तुम्हारे साथ लंबा जीना चाहता हूँ। बस बस ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। बताओ कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो जेके मित्तल नहीं है कौन, वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन? हाँ भाई, आज उस पर किसी ने गोली चला दी, बच गया वैसे, लेकिन उसी के चक्कर में एक बार थाने जाना पड़ेगा। चलो मैं निकलता हूँ, तुम भी घर पहुंचो, बाद में मिलते हैं। हाँ भाई आने दे। क्या है बे? ओ भाई, भाई बचपन का दोस्त है, ओ तेरी बाइक लग गई है। ओ मित्र, ओ गलती होगी मित्र, छोड़ दे मित्र। बेटा बोल दे एक बार, ये वाली नहीं तेरी बोल, बहुत शौक है ना तुझे बोल से खेलने का। ओ मित्र गड़बड़ होगी मित्र। ये कैसी आवाज निकाल रहा तू? ओ मित्र गड़बड़ होगी मित्र, बीच गया
मित्र। अबे साले आज के बाद ना यहाँ दिख मत जाइयो। ओ छोड़ दे मित्र। मिश्रा जी वक्त का आजकल कुछ नहीं पता, पता नहीं कब क्या बंद हो जाए। 2 साल से ऐसे चल रहा है, जैसे तैसे सर को देख के कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, लगता है वो भी हाथ से गई। क्या हो गया राठी साहब, फिर कोई मुजरिम चकमा देके भाग गया क्या? अरे नहीं सर, मुजरिम तो जब हाथ से निकले ना, जब कोई पकड़ में आए, सारे दिन कहानी को किस्से सुनाते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं। हाँ हाँ उड़ा लो, आप भी मजाक उड़ा लो, हमारी तो जिंदगी झंडुई रखी है। हुआ क्या ये तो बताओ। अरे सर इसने सुबह कोई न्यूज देख ली कि क्रिप्टो इंडिया में बंद होने वाला है, उसी का दुखड़ा गाया जा रहा है सुबह से। राठी जी अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया है, अभी क्रिप्टो की बाइंग ट्रेडिंग और सेलिंग सब कुछ लीगल है। सर मगर सब तो यही कह रहे थे, अभी कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से रिसर्च करो क्रिप्टो पे। एक ऐप है कोइन DCX, उसे डाउनलोड करो, ये इंडिया की सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है। ये बहुत ही इजी है और आपको काफी कुछ समझने में बहुत आसानी रहेगी। इनका एक DCX लर्न प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इनका एक 7M मॉडल है जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इम्प्रूव होती है, फेयर मार्केट रहेगा और रिस्क भी काफी कम हो जाता है, जो कि आप जैसे कमजोर दिल वालों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस ऐप की सिक्योरिटी तो आपसे भी ज्यादा टाइट है, जैसे कि फैक्टर ऑथेंटिकेशन और विड्रॉल पासवर्ड। लेकिन सर फंड्स चाहिए तो कितने दिन पहले बताना होगा? ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है राठी जी, इंस्टेंट विड्रॉ और डिपॉजिट है, वो भी 24/7 और ISO सर्टिफाइड भी है। सर बस करूं कैसे ये और बता दो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करके अपनी KYC कंप्लीट करो और अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लो, हो गया काम। 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो यहाँ इन्वेस्ट करना, और जितने की तुम चाय पी रहे हो उससे भी। 10 रुपए की? हाँ इतने में भी क्रिप्टो खरीद सकते हो। कुछ समझे राठी जी, थैंक यू बोले सर जी को, बिना फालतू में सर को गालियाँ दे रहे थे। अरे नहीं 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 सर ये झूठ बोल रहे हैं, हम तो आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं, ये चाहता है हम दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए। नहीं नहीं दरार नहीं आएगी, तुम टेंशन मत लो। अब अगर तुम लोगों ने चाय पी लियो तो मैं भी जूस पी लूं, आपके जैसी सेहत भी तो बनानी है मिश्रा जी। अरे सर आप भी चलिए, आपके लिए बनाना शेक बनवाते हैं। बनाना शेक दबा के लेते हैं आजकल। मशहूर बिजनेसमैन जेके मित्तल पे आज किसी ने दिन दहाड़े गोली चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी ने भी हमलावर पे गोली चलाई, लेकिन अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि वो जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। बेटा आज ये न्यूज में क्या दिखा रहे हैं सुबह से? दादाजी ये तो कुछ ना कुछ दिखाते ही रहेंगे, आप क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो न्यूज व्यूज सुन के? अपना कोई बढ़िया गाने वाने लगाओ, सामने वाली दादी को डेट पे लेके जाओ कहीं। और ये क्या आप शिलाजीत खाने की उम्र में गोलियां खाने लग रहे हो? दादाजी अभी तो आप जवान हो, जोश में रहा करो। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है तू, तूने तो मेरा मूड ही बनवा दिया। पर बेटा कुछ भी करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, और तेरी इस ईमानदारी की नौकरी के चक्कर में घर में 1 रुपया नहीं बचता। कब से कह रहा हूँ जो घर में कमरा खाली पड़ा है उसे किराए पे चढ़ा दे, कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ तो दादाजी मैंने कब मना करा, इतने सारे लोग आए तो हैं उसे देखने के लिए। बेटा सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलता, उसके बाद जो तेरी पूछताछ चालू हो जाती है, क्यों आयो, कैसे आयो, कहाँ से आयो। बेटा आज के टाइम में इतनी पूछताछ करना किसी को पसंद नहीं है, तू एक बात बता ऐसे घर में कोई क्यों रहेगा भला? अच्छा ठीक है, अगली बार कोई आएगा तो आप रख लेना, ठीक है मैं मना नहीं करूंगा। अब देखो कौन ही आएगा और कब ही आएगा। दादाजी आप एक काम करो, आप ना न्यूज ही देख लो, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैं चेंज करके निकलता हूँ, ठीक है? पहले मूड बनवा दिया अब कह रहा न्यूज देख लो। एक काम करता हूँ, शीला की जवानी लगा देता हूँ। भाई ये चाकू से गोली निकालने वाला सीन है ना, मैंने बस फिल्मों में देखा है पर कभी ट्राई नहीं किया, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए ना तो मेरी गलती नहीं है। अबे साले तुझे कौन कुछ कह रहा है, ला मुझे दे। भाई भाई बहुत खून निकल रहा है, आप बोलो तो हॉस्पिटल में चलें। साले साइकिल पे तो ना गिरा, गोली लगी है, 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। ये सब छोड़, ये बता पैसे आ गए? हाँ भाई। ओए पैसे पूरे हैं। ये लोग कौन है? चिंता मत करो भाई, ये भरोसे वाले आदमी हैं। ये पैसे संडे तक पहुंचाने जरूरी है, तभी हमें हथियार मिलेंगे। और इस बार तो वो मित्तल का बच्चा बच गया,
लेकिन अगली बार कोई गलती नहीं होगी। और हाँ, तुम भी किसी लफड़े में मत पड़ना, वैसे ही पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, तुम्हारी एक गलती पूरे प्लान को चौपट कर देगी। आप टेंशन मत लो भाई, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। हेलो मनीष, कौन बोल रहा है? अरे कमिश्नर बोल रहा हूँ गधे। हाँ सर, यस सर, जी सर। जल्दी रेजिडेंस पे आओ। ठीक है सर, मैं बस कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। अरे तुम्हारा कोई रिश्ता थोड़ी करवाना है, जैसे हो वैसे ही आओ, इमीडिएटली। ओके सर, मैं निकलता हूँ। जैन सर। कमिश्नर साहब हैं? कैंप ऑफिस में है सर। ओके। क्या पुलिस हमेशा की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी? अगर इतने बड़े बिजनेसमैन पे दिन दहाड़े गोली चल सकती है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? आइए जानते हैं जेके मित्तल जी के पीए से कि उनकी अब कैसी हालत है। जय हिंद सर। मनीष, आपको क्या लगता है कि मैं इस पुलिस विभाग का बहुत ही मेहनती अफसर हूँ जो पूरी रात रात भर इन केसों पर काम करता रहता हूँ? नहीं सर। नहीं सर, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि मैं बहुत ही कामचोर हूँ? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है मेरे दोस्त आपका? आपको पता है इन मीडिया वालों को जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या स्टेटस है उस मित्तल वाले केस का? सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये किसी गैंग का काम है जिन्हें मित्तल को मारने के लिए सुपारी दी गई थी। सर, अगर एक बार मैं मित्तल से इंटेरोगेट कर लूँ तो ये केस सोल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तुम अच्छे से जानते हो मनीष, इस टाइप के लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शंस कितने स्ट्रांग होते हैं। मित्तल पहले ही मना कर चुका है, वो किसी से नहीं मिलना चाहता, पर ऊपर वाले तो हमें डंडा करने में लगे हुए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी इस केस पे क्लोजर चाहिए। जी सर। गो एंड हिट देम हार्ड, बिकॉज द बेस्ट वे टू डिफेंस इज अटैक। मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ, किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए मुझे बताना। यू विल लीव नाउ सर। फिटिंग अच्छे से कर दी ना बेटा। ठीक। ये बरगद का पेड़ ज्यादा पुराना है, अक मैं ज्यादा पुराना हूँ। कमाल करते हो पंडित जी, पांव आपके कब्र में लटक रहे हैं और आप यहाँ पे आज भी करते घूम रहे हैं। इस उम्र में ये सब चीजें शोभा नहीं देती आपको। शोभा नहीं देती इसलिए तो तेरे पीछे आया हूँ। आज तो मैं सारी बात क्लियर ही करके जाऊंगा। देख रुक्मणी, ये दिल बूढ़ा बेशक हो गया है लेकिन धड़कता आज भी तेरे लिए ही है जैसे बचपन में धड़का करता था। हमारा मिलन ही तो नहीं हुआ लेकिन प्यार तो सच्चा ही है। बस कीजिए पंडित जी, अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको बोलना चाहिए था तब तो आपने बोला नहीं, तब तो एक नंबर के भगौड़े निकले आप। दहेज में एक साइकिल ही तो मिल रही थी, साइकिल के लिए आपने किसी और से शादी कर ली। रुक्मणी कैसी बात कर रही है यार, तुझे तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता था, साइकिल भी तो जरूरी थी यार। देख, मैं तुझसे शादी तो कर लेता अगर तू भिखारी की बेटी ना होती। मेरे पापा भिखारी नहीं थे, कबाड़ी का बिजनेस था उनका। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों को कोई फायदा नहीं है, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। बाय प्रेमचंद।
माचिस है तेरे पास? अबे बीड़ी तो पिला दे सुन। पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं कल सामान लेने आ रहा हूँ। देव भाई, पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी करके रखी हुई है, सख्ता ही बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। हम यहाँ पर अपने हथियार नहीं रख सकते, हमें कोई और सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी। तू मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ बोल मिश्रा। सर, जिसने मित्तल पे गोली चलाई थी उसकी लोकेशन पता चल गई है। डिटेल्स भेज, मैं देखता हूँ। क्या बात होगी बेटा, किसकी डिटेल मंगवा रहा है? कुछ नहीं दादाजी, बस काम ही चलता रहता है। आप बताइए, आप कहाँ सहरा वहरा सजा कर जा रहे हो? अरे हमने कहाँ ही जाना बेटा, कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं तो सेक्टर 14 तक जाएंगे, थोड़ा बहुत दिल बहल जाएगा। तू मुझे छोड़ देगा वहां तक? बिल्कुल छोड़ दूंगा दादाजी, रास्ते में ही पड़ेगा। चलिए साथ ही चलते हैं। दादाजी थोड़ा सा पैदल और चलना पड़ेगा आपको। वो क्या है ना, कल यहाँ पानी का टैंकर खड़ा था तो मैंने बाइक गुप्ता जी की दुकान के सामने खड़ी कर दी। वैसे एक बात कहूँ आपको, आज आप किसी दादी को प्रपोज कर दो, क्या लग रहे हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, आज इस बात की गारंटी है। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, इस उम्र में तो कहीं घूमने के नाम पे भी मंदिर जाना याद आता है बस। क्या बात कर रहे हो दादाजी, इसका मतलब तो बुड्ढे हो गए हो आप। ओए बुड्ढा किसको बोल रहा है, आज भी तुझसे तेज भाग सकता हूँ मैं। आ तुझे अपनी स्पीड दिखाऊंगा, आ जा। दादाजी आप ठीक तो, आपको लगी तो नहीं? आप भी क्या बच्चों वाली हरकतें करते रहते हो दादाजी, हद है यार। भाई आप ठीक तो? अरे भाई ये तो वही आदमी है जिसने परसों को पीटा था। लेकिन भाई ये तो पुलिस वाला निकला। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं दादाजी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। आपको तो चोट नहीं लगी? नहीं नहीं मैं भी ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, किसान का बेटा हूँ, खेत में काम करते वक्त छोटी मोटी तो लगती रहती है। पहले तुम्हें कभी देखा नहीं है, कहाँ रहते हो? आज ही गांव से आया हूँ, बस रहने के लिए किराए पर कमरा देख रहा हूँ। वाह बेटा ये तो कमाल ही हो गया, इसका मतलब हमारा टकराना कोई इत्तेफाक नहीं था, आप तो साक्षात कुबेर भगवान निकले। मैं समझा नहीं। बेटा मैं समझाता हूँ, तुझे किराए के लिए कमरा चाहिए और हमें अपने कमरे के लिए किराएदार, तो बनगी ना दोनों की बात। लेकिन बेटा किराया पूरे 3,000 रुपए लूंगा। 3,000? और चल तू 2,500 दे दियो, आखिर अपना किसान भाई है, ले हैंडशेक करके डील पक्की कर। दादाजी पहले इसकी इंक्वायरी तो कर लो, कौन से गांव से हो तुम? ओ बस कर यार तू, तेरे चक्कर में आज तक कमरा खाली पड़ा है, हर किसी पे शक नहीं करते, शक्ल से कितना शरीफ आदमी लग रहा है, पुलिस की नौकरी है ना, शक करने की आदत हो गई इसे। कोई बात नहीं दादाजी, पूछताछ भी जरूरी है, आजकल किसी का भरोसा नहीं, क्या पता कौन बैग में हथियार लेकर घूम रहा हो। तू तो मेरी तरह मजाकिया भी है, हम दोनों की खूब पटेगी। क्यों बेटा बनी, इस बैग में क्या है? कुछ नहीं साहब, कपड़े हैं और थोड़े से पैसे हैं। अच्छा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ मिश्रा आ गया, बस मैं रास्ते में ही हूँ। दादाजी मेरे को निकलना पड़ेगा, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। आप एक काम करो, इसको कमरा दिखा दो और फिर कैब करके अपने दोस्तों के पास चले जाना, मैं निकलता हूँ। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आराम से। मनीष देव,
तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का। जैसी भी लगे वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज कर दूंगा। ऑल्सो मैं सोच रहा हूं कल इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन करने का, जिसमें हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। फिर कल लाइव मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। और सबसे जरूरी बात, कॉइन डीसीएक्स ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कोड फर्स्ट 100 यूज करके साइन अप करो, आपको मिलेंगे 100 रुपए तक के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मेरी तरफ से। इन्वेस्ट ऑन कॉइन डीसीएक्स, क्योंकि फ्यूचर यही है।